Hey guys, welcome back. इस वीडियो में आपके लिए दो फ्लैगशिप लेवल के फोन्स के बीच में कंपैरिजन लेके आया हूँ। एक फोन है Realme की तरफ से और दूसरा है Redmi की तरफ से, यानी कि Xiaomi की तरफ से लॉन्च किया गया था। पिछले साल में ये फोन लॉन्च किया गया था Mi 10T, और दूसरा फोन जस्ट अभी लॉन्च हुआ है Realme X7 Max। दोनों ही फोन्स आपको काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे मिल जाएंगे। अगर आप नॉर्मल डेज में लेते हो तो लगभग 29 से आसपास आपको देखने को मिल जाएगी दोनों ही फोन्स की प्राइसिंग, लेकिन अगर आप सेल में लेते हो, ऑफर रहता है दोनों ही फोन्स में, तो लगभग 25 से 26 हज़ार के आसपास दोनों ही फोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा बढ़िया है, Realme वाला या फिर Xiaomi वाला, देखेंगे इस वीडियो में। कंपेयर करते हैं दोनों ही फोन्स को अलग अलग एस्पेक्ट्स में, चाहे आप गेमिंग ले लो, कैमरा ले लो या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस ले लो, कौन सा फोन आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस दे देगा, बात करेंगे इसी वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और इसी तरह से रोज वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हो, दोनों ही के दोनों फोन्स काफ़ी अच्छे फोन्स हैं, फ्लैगशिप लेवल के फोन्स हैं, प्राइसिंग भी दोनों ही फोन्स की काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो तो अच्छा फ़ोन आपके लिए होना चाहिए। कौन सा फ़ोन होगा, सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही फोन्स के डिज़ाइन वगैरह की। तो डिज़ाइन के मामले में Realme X7 Max जो है ये थोड़ा सा नया फ़ोन है और नया डिज़ाइन भी इसमें आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो Realme के जितने भी फोन्स लॉन्च हुए हैं 2021 में, लगभग सिमिलर से ही आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। लेकिन Mi 10T का डिज़ाइन भी आपको थोड़ा सा सिमिलर ही मिलेगा अगर आप Redmi Note 10 सीरीज देखते हो तो। मैं बात कर रहा हूँ कैमरा कटआउट की, बाकी डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल जाएगा, सिमिलरिटी मिलेगी थोड़ा सा दोनों ही फोन्स में अपने पुराने सस्ते फोन से। बाकी अगर मैं बात करूँ दोनों ही फोन्स के अलग अलग कौन सा फ़ोन आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो ग्लास बैक आपको मिलता है और एल्युमिनियम फ्रेम मिलता है Mi 10T में, जबकि Realme X7 Max में आपको प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाता है। स्प्लैश प्रूफ डिज़ाइन आपको मिल जाता है Realme X7 Max, तो थोड़ा सा एडवांटेज के फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन प्लास्टिक बैक होने की वजह से थोड़ा सा आपको प्रीमियम उतना फ़ोन देखने को नहीं मिलेगा Realme X7 Max। अब आप ये सोच रहे हो कि प्लास्टिक बैक है तो थोड़ा सा हल्का फ़ोन भी होना चाहिए, तो जी हाँ, आपको थोड़ा सा भारी फ़ोन मिलेगा Mi 10T अगर आप कंपेयर करते हो Realme X7 Max से, क्योंकि Mi 10T की जो वेट है ये है 216 ग्राम और उसकी थिकनेस है 9.3 मिलीमीटर, जबकि Realme X7 Max की जो थिकनेस है वो है 8.4 मिलीमीटर और इसका वेट है 179 ग्राम। तो यहाँ पर थोड़ा सा 10-20 ग्राम आप कह सकते हो या फिर 30 ग्राम भी ले सकते हो, डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वेट के मामले में। यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है Mi 10T में, जबकि आपको Realme X7 Max में मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी डिफरेंस मिलेगा। और अगर आप देखोगे दोनों फोन्स के डिस्प्ले के मामले में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है Realme X7 Max में और इसमें आपको रिफ्रेश रेट मिलता है 120 हर्ट्ज का, और इसमें आपको टच सैम्पलिंग रेट जो मिलता है वो मिलता है 360 हर्ट्ज का। यहाँ पर अगर आप कंपेयर करते हो Mi 10T से तो इस मामले में थोड़ा सा हो सकता है हल्का आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको IPS LCD मिलती है लेकिन रिफ्रेश रेट आपको मिलता है 144 हर्ट्ज का, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा स्क्रीन क्वालिटी के मामले में, लेकिन रिफ्रेश रेट के मामले में आपको Mi 10T ज़्यादा बढ़िया फ़ोन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप डिस्प्ले पर अच्छी खासी इमेजेस देखना चाहते हो, डिस्प्ले आपको अच्छा फ़ोन का चाहिए, तो आपको Realme X7 Max में ज़्यादा बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। बाकी ख़राब डिस्प्ले IPS LCD है नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि आपको ख़राब क्वालिटी की IPS LCD नहीं मिलती है Mi 10T में, इस बात को भी आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर आप रैम और रोम देखोगे दोनों ही फ़ोन्स में तो सिमिलर ही मिलेगी, सेम जनरेशन की मिलेगी। LPDDR5 का रैम आपको दोनों ही फ़ोन्स में मिलता है और UFS 3.1 की स्टोरेज दोनों ही फ़ोन्स में मिल जाती है, तो रीडिंग और राइटिंग स्पीड में कोई भी डिफरेंस मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जनरेशन गैप नहीं है यहाँ पर। अगर आप देखोगे दोनों ही फ़ोन्स में तो 3.5 mm का ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं मिलता है Mi 10T में, जबकि Realme X7 Max में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है, तो थोड़ा सा ये भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी जो चीज़ आपको Xiaomi के फ़ोन्स में देखने को मिलती है वो किसी भी फ़ोन्स में नहीं मिलती है। यहाँ पर Mi 10T में आपको IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, जो कि Xiaomi के सारे फ़ोन्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर ये चीज़ आपको Realme X7 Max में नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा आपको किस टाइप का फ़ोन चाहिए। बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो बैटरी 5000 mAh का आपको मिलती है Mi 10T में, 33 वाट का चार्जर भी मिलता है इसमें, और Realme X7 Max में आपको मिलती है 4500 mAh की बैटरी, साथ में 50 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है।
तो यहाँ पर चार्जिंग टाइम कम लगेगा रियलमी एक्स सेवन मैक्स में और चार्जिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा रियलमी टेन टी में, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल जाएगा। बाकी बैटरी लाइफ लगभग एक दिन की लगभग दोनों ही फोन्स में मिल जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे ऊपर नीचे हो सकता है मी टेन टी का। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए, दोनों ही फोन्स में आपको 5G सपोर्ट मिल जाता है, तो ये भी आपको चिंता करने की बात नहीं। अगर आप अभी फ़ोन ले रहे हो और 2-3 साल अगले चलाने वाले हो, तो 5G अगर आता है तो दोनों ही फोन्स में ये चीज़ सपोर्टेड देखने को मिल जाएगी। बाकी मैं कैमरा की बात करूँ तो कैमरा मेगापिक्सल जो है पिक्सल दोनों ही फोन्स में सेम देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का। बाकी आपको सोनी का सेंसर लगा हुआ है रियलमी एक्स सेवन मैक्स में 682, तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करते हो दोनों ही फोन्स के कैमरा को, तो मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल व्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से मी 10T का कैमरा मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं बार बार मेरे हिसाब से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग कमेंट सेक्शन में ये बोलते हैं कि भाई रियलमी एक्स सेवन मैक्स का कैमरा ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। वो देखो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि आपको किस टाइप की इमेजेस अच्छी लगती हैं। किसी किसी को शार्प इमेजेस अच्छी लगती है, किसी किसी को नॉर्मल इमेजेस अच्छी लगती हैं, तो वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कैमरा के मामले में। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है मी 10T में और आपको रियलमी एक्स सेवन मैक्स में मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। यहाँ पर भी मेरे हिसाब से मी 10T की तरफ जाना चाहिए। मी 10T में आपको 8K तक की रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, जबकि 4K तक की रिकॉर्डिंग आपको एक्स सेवन मैक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप ओवरऑल कैमरा को कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से मी 10T का कैमरा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी आपका अपना डिसीजन है कि आपको रियलमी एक्स सेवन मैक्स का कैमरा ज़्यादा बढ़िया लगता है या फिर मी 10T का। बाकी यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों ही फ़ोन्स के चिपसेट की, तो रियलमी एक्स सेवन मैक्स कह रहा है कि मेरे पास मीडियाटेक का डोमेस्टिक 1200 प्रोसेसर है जो कि एक 5G चिपसेट है, इसकी क्लॉक स्पीड है 3.3 GHz की। यहाँ पर आपको मी 10T में मिलता है स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर। मैं जानना चाहूँगा मी 10T के स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ में, क्योंकि इसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साफ साफ डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, चाहे आप गेमिंग ले लो, बैटरी लाइफ ले लो या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस ले लो, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा। बाकी अगर आपको बक्स मिलते हैं, दोनों ही फ़ोन्स में आपको बक्स मिलेंगे ही, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है दोनों ही फ़ोन्स का वो थोड़ा सा हल्का फुल्का कभी कभी बगी हो जाता है जब अपडेट्स आते हैं, तो बाकी वो सारी की सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, तो उस बात की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप गेमिंग एक्सपीरियंस देखोगे तो गेमिंग के मामले में मी 10T में आपको अच्छी खासी गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगी। यहाँ पर रियलमी एक्स सेवन मैक्स में कई लोग ये कह रहे हैं इसमें गेमिंग में थ्रॉटलिंग देखने को मिल रही है, वो क्या चीज़ है कैसे है सब आपको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको देखना है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो डाल दूंगा। अब बात आती है कि कौन सा फ़ोन आपको चूज़ करना चाहिए, मी 10T या फिर रियलमी एक्स सेवन मैक्स। दोनों ही फ़ोन्स आपको लगभग सिमिलर सी ही प्राइस रेंज में मिल जाएंगे, लेकिन रियलमी एक्स सेवन मैक्स नया फ़ोन है और रियलमी का फ़ोन है, तो वो आपका अपना डिसीजन है कि आपको रियलमी का फ़ोन चाहिए या मी का। मेरे हिसाब से मी 10T मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया फ़ोन रहेगा। तो ये था वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह से रोज़ वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।